और आज तक आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक जिसने भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई काम किया है तो उसको अल्लाह पाक ने उसका मुंह काला कर दिया, जैसे मैं वो नीला वसीम दीदी इसका एक मिसाल है। तो अल्लाह के बंदो आपस में बिल्कुल बहस ना करें, इसका अंत आ चुका है। ये अल्लाह पाक को ऐसी इसकी मार देगा, ये सऊदी अरबिया जिसका जिसका नाम खाना काबा होना चाहिए था, जिनका नाम आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने रसूल के नाम से जाना जाता था, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ये इसकी बदमाशी कोई सहन नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नेक बंदो, आज तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं उस पर थोड़े दो लफ्ज बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपको बताया कि पिछले जुमे को सास सहूद के खानदान के इशारे से वहाँ के उलमाओं ने, सऊदी अरबिया के उलमाओं ने जिस तरह से एक बयान दिया है और खुतबे में वो इन बातों को दोहरा रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो जमात लेके जाते हैं या जमात पे काम चल रहा है ये गलत है, यहाँ तक कि इन्होंने गुमराह बोल दिया है, कादियानी और तरह तरह के लोगों से, बरेलवियों से इनकी तुलना की है। आप खुद सोचिए अल्लाह के बंदो, आज अल्लाह के करम फजल से हिंदुस्तान का मुसलमान अगर वो देवबंदी है तो प्रोपर इस्लाम का मान पैरोकार है और मानने वाला है, अगर वो बरेलवी है तो वो भी सुन्नत रसूल के अनुसार अपनी जिंदगी बसर करने वाला मुसलमान है। ठीक उसी तरीके से अहले हदीस हो, सलफी हो या कोई भी हो, यहां तक कि एक जगह हम सिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, मगर ये हिंदुस्तान अमन और चैन की जगह है, क्या ये समय माकूल समझा है उसने? ये वो लोग हैं, ये वो साथ, मैं देखो अहले हदीस को बुरा नहीं कह रहा, मैं इमाम शाफई के मानने वालों को नहीं बोल रहा, मैं देवबंदियों का पक्षधर नहीं हूं, मैं बरेलवी की मुखालफत नहीं कर रहा, मगर जिस खानदान पे नजर रहती है लोगों की और सब लोग ये सोचते हैं कि जो ये कहेगा इसकी बात मौतबर होगी, पूरी दुनिया में संदेश जाएगा। आपको याद होगा कोरोना जैसे समय में सबसे पहले मक्का और मदीना में नमाज पे पाबंदी लगाई गई, उसका हवाला पूरी दुनिया में दिया गया, फिर बड़ी बड़ी मस्जिदों में इसका असर हुआ। आपको पता है कि खानदान कौन है? ये वो खानदान है जिसने कब्जे से कब्जा करके, जिसने अपनी हरकतों से यहूदी और अंग्रेजों से मिलके इसने हुकूमत उस्मानिया को खत्म किया, और उसमें भी बहुत गहरी साजिश थी। चंद पल में, चंद मिनटों में आप किसी की बुराई या भलाई नहीं बता सकते, मगर अल्लाह के बंदो याद करो वो जमाना कि इसी शहर देवबंद का एक आलिम था, जब इन्होंने सहाबाओं की, सास सहूद के खानदान के लोगों ने सहाबाओं की निशानियां, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उगाए हुए हाथ से दरख्त लगाए हुए दो खजूर वो नष्ट किए, फिर इनका टारगेट क्या हुआ? 1924 में इन्होंने कहा कि गुम्मत खजरा जिसकी तरफ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम ये सोचते हैं कि इसका एक एक निशान, हरा रंग, ईंट, गारा, ये सब चीजें जो है ये अल्लाह की नमत से हमें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जीने का तरीका सिखाते हैं। इसी सऊद के खानदान वालों ने उसको नष्ट करने की माज अल्लाह तो वह उसके दिमाग में ऐसा अगर फजूल भी आया था तो गलत था, तो उसने उसको शहीद करने की कोशिश की। इसी शहर देवबंद से हिस्ट्री को जानिए कि हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के आजमगढ़ के, गोरखपुर के, ये संत कबीर नगर के जो अहले हदीस उलमा है ये कहाँ से आखिर उपज होती है? उसी द्यार से ये पढ़ के आते हैं, आज उनके दौर में भी होश है। तो अल्लाह के बंदो सिर्फ इतना होना चाहिए कि किसी की बातों में ना आए, किसी को ये ना समझे कि जी अहले हदीस ऐसे कह रहा है, कुछ फिरका परस्ती फैलाने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा अल्लाह की रहमत से, और आप अपनी जगह मौजूद रहे, आप फिर किसी से भिड़े ना, जो हो रहा होने दो, जो बुरा करेगा उसकी जब साढ़े चार सौ साल उस जमाने इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने से लेके और आज तक आदम अलैहि सलाम से लेके आज तक जिसने भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई काम किया है तो उसको अल्लाह पाक ने उसका मुंह काला कर दिया, जैसे मैं वो नीला वसीम दीदी इसका एक मिसाल है। तो अल्लाह के बंदो आपस में बिल्कुल बहस ना करें, इसका अंत आ चुका है, ये अल्लाह पाक को ऐसी इसकी मार देगा, ये सऊदी अरबिया जिसका नाम खाना काबा होना चाहिए था,
जिनका नाम आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने रसूल के नाम से जाना जाता था, शहर अपने व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये इसकी बदमाशी कोई सहन नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।